मौवी बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ कोयटा में धरना चौथे रोज भी जारी है। वकला तंजीमों ने अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान भी कर दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला जहरी से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त धरने की? जी बिल्कुल, कोयटा के इलाके एयरपोर्ट से अगवा होने वाले 10 साल बच्ची की अदम बाजियाबी के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ मकाम पर एहतजाज के बाद लवाकीन ने सरीना चौक के बाहर धरना दिया, जिसके नतीजे में कोयटा शहर में ट्रैफिक का इंतजाम इंतहाई मुतासर नजर आ रही है। इस वक्त आज सुबह दोबारा लवाकीन और ताजरों की जानब से पुलिसान असम्बली के बाहर एहतजाज किया गया और उसके बाद धरना दिया गया, जिसकी वजह से पशीन स्टाफ दरगून रोड, यट रोड, जिरार और दीगर मकाम पर ट्रैफिक जाम है, जिसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चे और मुसाफिर गाड़ियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब वकला की जानब से भी अदालती बाइकाट किया जा रहा है। लवाकीन का मौके पर जब तक बच्चे की बाजियाबी अमल में नहीं लाई जाती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अब्दुल्ला जहरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।